एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ऐसा लगता है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि 29th ऑफ सितंबर आज जो टारगेट होने वाला, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो, अब आपको क्या करना, पहले समझ लो, 2 मिनट लगेगा ना, ज्यादा है, 1.5x 2x पे करके देख लो। देखो, IBPS कलर का आपका अगर है इसका मेंस आपको लगा लेना है, नहीं है तो नहीं लगाना। अगर है तो एक लगा, इसका सोल्यूशन आप सेम डे निपटा लोगे एकदम, इतना तो आप कर ही सकते हो। ये जिनका भी नहीं है ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, SBI PO प्री लगाओगे, IBPS का आप टाइम हो गया खत्म, SBI PO प्री लगाओगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ RBI असिस्टेंट का लगाओगे, मतलब दो मौका आपको देना ही देना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन आप कर लोगे एकदम। इतना करोगे तो आपको लगेगा यार, मैं एक बार में मत देना, एक चीज एक सुबह दे देना, दूसरा शाम में दे देना एकदम, है ना। ये करने सोल्यूशन कर लोगे ना, फिर आपको लगेगा यार मेरा मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है, रीजनिंग में नहीं हो रहा है, इंग्लिश में, तो सबका अलग अलग वेरी करता है ना, या फिर तीनों में नहीं हो रहा है, ऐसा भी कई लोग को लगता है। कोई नहीं, आप एक काम करना, दो जो है ना, कम से कम वीक सब्जेक्ट का जो भी आपको लगेगा उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, ठीक है, लेकिन लगाना जरूर है, ये करो, इसका सोल्यूशन आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैथ का जो वीक टॉपिक है ना, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आप कोई भी आप जो है ना टॉपिक का टॉपिक उठाना, ठीक है, उस टॉपिक आप 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट वगैरह देखने के बाद, कॉन्सेप्ट कहाँ से देखेंगे, तो यूट्यूब से देखेंगे, ठीक है, उस टॉपिक का नाम डालना यूट्यूब पे, फटाफट आ जाएगा, एटलीस्ट 1.5x 2x पे करके देखना, उसके बाद 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये करने के बाद सीरीज आपको 20 क्वेश्चन जो है ना, इसमें जिसमें मिसिंग और रॉन्ग दोनों होने वाला है, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, इसमें आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों कर लेना एकदम, 10 10 कम से कम, ठीक है। चलो, ये होने के बाद ना इंग्लिश आपका मजबूरी है सही करना ही, अगर आपको सही में बैंकर बनना है तो, क्योंकि अब का जो एग्जाम होगा इसमें इंग्लिश बहुत अहम रोल निभा, तो रीडिंग हैबिट डालो, रीडिंग न्यूज पेपर एटलीस्ट 30 मिनट से आपको शुरू करना है, ठीक है, धीरे 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 अपना टाइम बढ़ाना है, और मतलब ताकि समझना है मेन एकदम थीम एकदम, है ना, पेपर का क्या कैसे नहीं है एकदम। RC आपको कम से कम दो आपको सॉल्व करना ही करना है RC एकदम, इसका फायदा प्रीलिम्स मेंस दोनों में मिलेगा, साथ में क्लोज टेस्ट का 2 क्वेश्चन जो है ना कम से कम आप देखना, अगर सॉल्व करने नहीं आता तो ये प्रैक्टिस होने वाला है, साथ में आप जो ग्रामर है ना, ग्रामर आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है, ग्रामर एकदम टॉपिक वाइज ये चलेगा एकदम, है ना। मेंस का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से करोगे तो सब कुछ अपना प्रैक्टिस कर लोगे, साथ में इनपुट आउटपुट जो है ना इसका प्रैक्टिस करोगे, ये मेंस लेवल का एकदम, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सब आता है तो इसको आपको सॉल्व करने एकदम आना ही चाहिए। मेंस लेवल पजल जो है दो कम से कम आपको आपको इसको इसमें सॉल्व करना ही करना है। ये करने के बाद करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो डेली अपडेट जो है ये आपको पढ़ना है, साथ में 8 से लेकर 14 अगस्त तक भी आप रिविजन करोगे, ठीक है, और नहीं पढ़े तो आप इसको पढ़ लो फटाफट, इसी का फिर आप क्विज जो है वो लगा लोगे। बैंकिंग अवेयरनेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही आम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVII आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है, इसका नोट वगैरह आप तैयार करोगे, कहाँ से करोगे, यूट्यूब से करोगे, गूगल से करोगे, कोई PDF या फिर बुक है वहां से आप अपना नोट तैयार कर लेना, ताकि इतना कम से कम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अड्डा का डेली क्विज जो आता है ना, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ये आप लगा लोगे एकदम, है ना, जितना करोगे इस एना फॉर डे, यही करने के कम से कम आपका 10 घंटा जाएगा ही जाएगा मेरे दोस्त। देखो, कंपटीशन इतना टफ, इतना अगर आप नहीं पढ़ते तो आप बैंकर नहीं बन सकते, और हमेशा ध्यान में रखो ही रखो, है ना, कोई कहता है बिना मेरा पढ़े हो गया, सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है, वो करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एकदम पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव बनाना, कमेंट कर देना यार, चैनल पहली बार तो सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो कर ही सकते हो।